इसके अलावा जो मान्यता है छठ के पर्व को लेकर अच्छे स्वास्थ्य और संतान के लिए पर्व जो है वो रखा भी जाता है। और क्योंकि आप लगातार बाजारों में रहते हैं और जो तैयारी आपने को देखी भी कितनी रौनक दिखाई दे रही है, क्योंकि चार दिन तक की जो पर्व है वो मनाया जाएगा, जो सोसाइटीज है वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? देखिए साक्षी, इस वक्त जो बाजारों में रौनक है वो अलग ही देखने को मिल रही है। इस दौरान गन्ने की सेल ज्यादा होती है, क्योंकि जो छठी मैया का त्यौहार होता है इसमें गन्ने की ज्यादा लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि पूजन में खासतौर से गन्ना इस्तेमाल किया जाता है, घर में पकवान बनाए जाते हैं और उसके बाद छठ घाट पर इसलिए पहुंचती है और जल में खड़े होकर पूजा अर्चना करती है छठी मैया को खुश करने के लिए। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, मेरे भी आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद है जो लगातार खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, अपने अपने घरों से निकले हैं, खुश है, बेहद खुश है, क्योंकि छठी मैया का चार दिन का त्यौहार उनको इंतजार रहता है, पूरे साल भर इंतजार रहता है कि छठी मैया का कब त्यौहार आए, छठी मैया के कब पूजा जाए और छठ घाट पर पहुंचे। आपको बता दें साक्षी कि इससे पहले जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो काफी है, क्योंकि हिंडन घाट पर अमूमन तौर पर गंदा पानी रहता है, इंडस्ट्रियल का पानी रहता है, ऐसे में इंडस्ट्री का पानी वहां पर रहता है और छठी मैया की पूजा के दौरान स्त्रियां पानी के अंदर खड़ी होकर पूजा करती है, तो पानी पीछे से अच्छा छोड़ा जाए, अच्छा पानी मिले और पानी के अंदर पूरी तरीके से जो दवाई गिरी जाएगी जिससे किसी को एलर्जी ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खासतौर से तैयारियां की गई है। छठ घाट की अगर बात की जाए, हिंडन घाट की अगर साथ की बात की जाए, तो वहाँ साफ पानी के लिए कई टोटियां लगाई गई है, क्योंकि उस पानी में नहाने के बाद कोई तरीके कोई एलर्जी ना हो, इसलिए सादे पानी से लोग नहा सके और पूजा अर्चना भी कर सके। जी साक्षी, बिल्कुल। देखिए, आज इस तरीके से आप बता रहे हैं, जो आर्टिफिशियल घाट बनाते हैं वो सोसाइटीज में लोग बनाते हैं और वहाँ पर अपने पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो नेचुरल घाट है वहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है, क्योंकि अर्घ देते दौरान कोई हादसा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, उससे बचाव के लिहाज से भी। इनके अलावा क्योंकि चार दिन तक त्यौहार ये मनाया जाएगा, तो किस तरीके से अलग से भी क्या कोई आयोजन हो रहा है? देखिए साक्षी, अभी दिवाली का त्यौहार गुजरा है, पांच दिन लोगों ने जी भर कर दिवाली का त्यौहार मनाया है, जिसके बाद अब छठ पूजा की जाएगी। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस ने पूरी कमर कस ली है। गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा से सटा हुआ है, अमूमन तौर पर गाजियाबाद में कोई आपराधिक घटना घटती है तो वहां से जो अपराधी है वो दिल्ली की तरफ रवाना होता है, नोएडा की तरफ रवाना होता है, इसलिए गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहती है उनको पकड़ना। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से जो सीमाएं हैं उनमें चौकसी बढ़ा दी है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे, और गाजियाबाद पुलिस ने सब घाटों के पास शादी वर्दी पुलिस तैनात की है, शादी वर्दी महिला कांस्टेबल लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार वहां पर मौका मुआयना कर रहे हैं कोई अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी साक्षी, बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। तो छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है, लेकिन इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है उसकी मुस्तैदगी बहुत ज्यादा है घाटों के पास, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए।